अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स माय डियर व्यूअर्स ये हमारा आज लेक्चर फोर है हिस्ट्री के ऊपर जो यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर बी एल बी एंट्रेंस टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के लिए हमने बनाया है इससे पहले हमने तीन लेक्चर ऑलरेडी अपलोड किए हैं उनकी लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी तो आप उन तीनों वीडियोज़ को देख लें और इस वीडियो को भी देखें और इससे आपका जो पहला यूनिट है हिस्ट्री का जिसमें सेवेंटी एम सी कोज आते हैं वो इंशाल्लाह कंप्लीट होगा तो आगे हम बढ़ते हैं आज आपका टाइम ज़ाया नहीं करेंगे मैं जानता हूँ वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है बट आपको पेशेंस रखनी है और इन इनसे आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो को शुरू करें अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करें हमारी चैनल राकेब ज़िया को और इसको लाइक करें शेयर करें और इसके ऊपर कॉमेंट करें तो क्योंकि जो आपके दोस्त हैं उनको भी आपको अगर फ़ायदा मिलेगा तो हमारा मिशन जो है वो कम्प्लीट होगा तो आज हम आगे बढ़ते हैं जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है आज हम आज वन जीरो वन से शुरू करते हैं हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ब्रिटिश गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ये क्वेश्चन जो है अक्सर पूछा जाता है कि जो पहला ब्रिटिश जर्नल था वो कौन था तो इसका सही आंसर है लॉर्ड डल क्योंकि जो अंग्रेज थे वो हिंदुस्तान में गवर्नर जनरल बनाते थे तो ये लॉर्ड माउंट जो था वो लास्ट सर्विंग लास्ट गवर्नर जनरल था लेकिन पहला जो था फर्स्ट गवर्नर जनरल वो था लॉर्ड डल तो यह आपको याद रखना चाहिए की नोट ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज इंडियन हिस्ट्री का जो की नोट है ओल्डेस्ट वेदा uh, सबसे पुराना वेदा कौन सा माना जाता है रग वेदा दैट बिल्ट जूरिंग द पीरियड ऑफ अजंता कब बनी थी किस दौर में बनी थी इसका नाम है गुफ्ता गुफ्ता पीरियड में बुधावास इन महात्मा बुद्ध कहाँ पे पैदा हुआ था तो ये था लुम्बिनी लुम्बिनी मोस्ट uh, पॉपुलर बिल्डिंग फ़तेहपुर सिकरी आर बिल्ट विद तो ये फ़तेहपुर सिकरी जो है ये किस चीज़ से बनी है रेड सिटून से द एट फोल्थ पाथ प्रोपाउंडेड बाई ये जो एट फोल्ड पाथ है तो ये किसने दिया था यह है ये जो है ये बुद्धा ने दिया था शिवाजी इज़ वार स्ट्रैटी यूज़ अगेंस्ट द मुगल वाज जो शिवाजी ने मुगल के खिलाफ बगावत शुरू की थी तो उसकी जो टेक्निक थी वो कौन सी थी दैट वॉज ग्ररेला वार इंडिया एंड पाकिस्तान वायर पार्टिशन अंडर विच आर द फॉलोइंग प्लान ऑफ़ ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट तो इंडिया और पाकिस्तान जो पार्टीशन जो हुआ था वो किस प्रपोजल के ऊपर हुआ था उस प्रपोजल का नाम क्या था दैट इज़ माउंट बेटन प्लान क्योंकि लॉर्ड माउंट बेटन आखिरी गवर्नर जनरल था तो उसी उसी ने ये प्लान बनाया था पार्टीशन का इसलिए इसको माउंट बेटन प्लान बोलते हैं द फर्स्ट टू हैव ट्रेड रिलेशन विद इंडिया वायर द पहले वो कौन से लोग थे जिन्होंने हिंदुस्तान के साथ ट्रेड करना शुरू किया था तो वो थे पुर्तगालीज पुरतगीज़ गांधीज फेमस क्वाइट इंडिया मोमेंट कॉल टू द ब्रिटिश वाज गिवन इन क्वाइट इंडिया मोमेंट की जो कॉल गांधी ने दी थी वो कब दी थी 1942 फोर्टी टू में ये भी अक्सर पूछा जाता है हु इनिशिएटेड मूव टू फॉर्म द इंटरनेशनल कांग्रेस इंटरनेशनल कांग्रेस को बनाने की जो शुरुआत किसने की थी यानी फाउंडर कौन है ए ओ ह्यूम ये एटीन सेवन में हुआ था इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें बहुत सारे एम है लेकिन हम चाहते हैं जो कुछ इंपॉर्टेंट एम ही क्यू आपके साथ डिस्कस करें द कोर्ट लैंग्वेज ऑफ ग्रेट मुगल वाज तो अंग्रेजों मुगल की जो कोर्ट लैंग्वेज थी वो कौन सी थी दैट वाज पर्शियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इनिशिएटेड द इंट्रोडक्शन इंग्लिश इन इंडिया वाज इंडिया के अंदर इंग्लिश को इंट्रोड्यूस करने का काम किस गवर्नर जनरल ने किया था उसका नाम क्या था उसका नाम था लॉर्ड बेंटिक गांधी जी डांडी मार स्टार्टेड फ्राम गांधी ने जो डांडी मार शुरू किया था वो कहाँ से शुरू किया था अहमदाबाद से डि गौतम बुद्ध हिज फर्स्ट लेक्चर तो गौतम बुद्धा ने पहला लेक्चर कहाँ पर दिया था डेट इज सर औरंगजेब आफ्टर जीरो औरंगजेब के मौत के बाद कौन बना था हिंदुस्तान का मुगल आजम इसका सही है बहादुर शाह वन तो इंडियन नेशनल कांग्रेस अडोप्टिड द रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन इट से तो इंटरनेशनल कांग्रेस ने कहाँ पर ये सेशन किस सेशन में इंट्रोड्यूस किया था कंप्लीट इंडिपेंडेंस वो था लाहौर सेशन गुरु गोविंद सिंह टू डेथ गुरु गोबिंद सिंह की मौत किसके हाथों हुई थी उसका नाम था गुल खान द स्लोगन जिंदाबाद वाज रेज बाई ये इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था उसका नाम था भगत सिंह काफी पॉपुलर फ्रीडम फाइटर है इंडिया का द फर्स्ट सिविल डिसबीडेंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय गांधी जी आफ्टर पहली सिविल डिसोबिडेंस मूवमेंट गांधी जी ने कब शुरू की थी तो इसका सही आंसर है ए दैट इज़ रवोल्ट एक्ट नाइनटीन नाइनटीन गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम दीज वर्ड और एट्रीब्यूटेड ये किसने कहा था गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम आप मुझे खून दो मैं आपको आज़ादी दूंगा तो ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने जिसने इंडियन नेशनल आर्मी भी बनाई थी द रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली वॉज बिल्ट बाई रेड फोर्ट इन लाल कल्ला जो है दिल्ली के अंदर वो किसने बनाया था शाहजहाँ जिसने ताजमहल भी बनाया था रजिया सुल्ताना सक्सीड रजिया सुल्ताना के बाद कौन आया था हिंदुस्तान का रूलर तो इसका सही आंसर है रुखीन फेरोज़ तो इस तरह से जो है इसमें बहुत सारे इम्पोर्टेंट एम सी क्यूज है हाँ हु बिल्ट द जाम मस्जिद दिल्ली जाम मस्जिद दिल्ली जो है वो किसने बनाई है तो इसका सही आंसर है डी यानी शाहजहां ये भी शाहजहां का ही काम है हु द फाउंडर ऑफ मुगल मुगल अम्पायर का फाउंडर कौन है तो इसका आंसर है सी यानी बाबर बाबर जो था वो फाउंडर था मुगल अम्पायर का वायर वॉज बैटल ऑफ पलासी फोर्ट बैटल ऑफ पलासी पे हुआ था तो इसका आंसर है सी वेस्ट बंगाल विच हिस्टोरिकल मोमेंट मोनोमेंट इन दिल्ली इज देंथीसिस ऑफ पर्शियन एंड इंडियन स्टाइल ऑफ ऑर्किटेक्चर तो इसका सही आंसर है सी यानी द टॉम रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म इज़ जो जैनिज़्म है इसका असली फाउंडर को किसको माना जाता है इसका सही आंसर है डी यानी महावीर द डिमांड ऑफ पाकिस्तान वाज मेड बाय मुस्लिम लीग फॉर द फर्स्ट टाइम इन पहली बार मुस्लिम लीग ने कब पाकिस्तान की डिमांड की थी तो वो था नाइनटीन फोर्टी द मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड बाय मुस्लिम लीग को किसने बनाया था नवाब समिय खान द जलिया वालाड इन जो जलियाँ वाला, वाला ट्रेजडी हुआ था ये बहुत इंपॉर्टेंट एम है ये कब हुआ था अप्रैल थर्टीन नाइनटीन नाइनटीन अली बदर्सोली का नाम जो आता है ये किस के साथ एसोसिएटेड थे खिलाफत मोमेंट सौराज में बर्थ राइट एंड आई शल है किसने कहा था तो इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोसनाइज द इंडियन नेशनल सिंगापुर में हु अमंग द फ्रीडम फाइटर्स इज नोन एज शेर पंजाब शेर पंजाब किसको कहा जाता है लाला लाजपत राय द गवर्नर जनरल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टॉपिंग द प्रैक्टिस ऑफ सती बाई बा लॉज वॉज तो किस गवर्नर जनरल ने इंडिया में सती को कंट्रोल uh, किया था दैट वाज लॉर्ड विलियम बेंटिक गोखले फाउंड गोखले ने क्या बनाया था इसमें से कौन सा सही आंसर है होम रूल मूवमेंट थियोसोफिकल सोसाइटी या सर्वेंटस ऑफ इंडियन सोसाइटी तो इसका सही आंसर है सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी द एडिटर ऑफ वॉइस ऑफ इंडिया न्यूज पेपर वॉज वॉइस ऑफ इंडिया एक न्यूज़ पेपर निकला था निकलता था इंडिया में तो उसका एडिटर कौन था इसका सही आंसर है दादाबाई नारू जी. तिलक वाज एडिटर ऑफ तिलक ने भी एक शुरू किया था न्यूज़पेपर तो वो किसका एडिटर था वो था मराठा द इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट दैट लॉर्ड डलहोजी इंट्रोड्यूस एटीन फिफ्टी फोर वाज लॉर्ड डलहोजी ने कौन सा इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट एटीन फिफ्टी फोर में बनाया था उसका नाम था सी यानी पब्लिक वर्कस डिपार्टमेंट बंगाल वाज पारशन इन द ईयर बहुत इंपॉर्टेंट एम सी क्यों है बंगाल का पार्टिशन ऑफ बंगाल कब हुआ था वो था वन नाइन जीरो फाइव उन्नीस सौ पाँच में होम रूल मूवमेंट वॉज पॉपुलर्ज इन चेन्नई बाई होम लूर मूवमेंट जो था इसको पॉपुलराइज चेन्नई में किसने किया था तो इसका सही आंसर है ए यानी अनी बेसेंट डैश वॉज द वाइस रॉय रेस्पॉन्सिबल फॉर द पार्टिशन ऑफ किसने पार्टिशन ऑफ बंगाल किया था उस उस गवर्नर जनरल का नाम क्या था तो ये था लॉर्ड करजन शहीद भगत सिंह सुखदेव एंड राजगुरु वायर सेंटेंस डेथ इन ये तीन लोग जो हिंदुस्तान में फ्रीडम फाइटर थे भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु इनको कब फांसी दी गई तो इसका सही आंसर है मार्च 1931। विद विच मोमेंट डेड महात्मा गांधी एंटर इंटर इंडियन पॉलिटिक्स किस मूवमेंट के साथ ही गांधी जी ने हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में ज्वाइन किया था इसका सही आंसर है चम्परान मोमेंट तो इसके बाद है सौराज पार्टी वाज फा, वाज फाउंडेड बाय फॉर्मड बाय सौराज पार्टी किसने बनाई थी इसका सही आंसर था नवाब समील नहीं सॉरी जी आर दास सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम डिमांडेड बाय सेपरेट स्टेट किसने डिमांड की थी पहली बार तो इसका था नाम था जन्ना अली मोहम्मद जन्ना द प्राइम मिनिस्टर एट द टाइम ऑफ इंटरम गवर्नमेंट वॉज तो हिंदुस्तान में जो इंटर गवर्नमेंट बनी तो उसका प्राइम मिनिस्टर किसको बनाया गया था ये था नेहरू महात्मा गांधी स्टार्टेड डैश मूवमेंट आफ्टर जलियांवाला जलियावाला बाग के बाद महात्मा गांधी ने कौन सी मूवमेंट शुरू की थी उसका नाम था नॉन कॉपरेशन डैश कमीशन वाज सेंट टू एनकवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 तो कौन सा कमीशन था जिस जो यहाँ 1919 में बना था दैट कॉल्ड साइमन कमीशन गो बैक टू वेदास वाज कॉल गिवन बाई ये किसने कहा था गो बैक टू वेदास यानी

ज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया पहला गवर्नर जनरल फ्री इंडिया यानी आजादी के बाद पहला गवर्नर जनरल कौन बना था इंडिया का तो वो था लॉर्ड माउंट बेटन यानी इससे पहले भी था आजादी के बाद भी ये कंटिन्यू रहा द फर्स्ट मुस्लिम प्रेजिडेंट ऑफ इंटरनेशनल कांग्रेस वॉज पहला मुस्लिम प्रेजिडेंट इंडियन कांग्रेस का कौन था बदरुद्दीन तयिब जी तो जलिया वाला बाग हम ये तो हमने पढ़ लिए हम मैं चाहता हूँ कि और जो एम सी क्यूज़ है उसके लिए आप हमारी बुक को कंसल्ट करें जो स्पेक्ट्रम एल एल बी एंट्रेंस गाइड बाई राब अहमद ज़िया है उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी वो आपको मार्केट में ईज़िली अवेलेबल होगी तो आप उसको पढ़ लें उससे अपना फ़ायदा उठाएँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा एम सी क्यूज़ आते हैं इसलिए अगर हम हिस्ट्री के पोर्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे तो इसके ऊपर पाँच दस लेक्चर बन सकते हैं इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो आज का हमारा टॉपिक है जो हिस्ट्री के रिगार्डिंग था यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का जनरल भी एंट्रेंस है लेक्चर फोर ये हिस्ट्री का था तो आज हिस्ट्री के टॉपिक को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं और जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हम इंडियन पॉलिटी यानी जो सेकंड यूनिट आपका है इंडियन पॉलिटी के ऊपर करेंगे और उसके ऊपर हम वीडियोस बनाएंगे फ़िलहाल हमने चार लेक्चर आपको दिए हैं हिस्ट्री के ऊपर तो ये सफिशिएंट है इसके साथ साथ हमारी बुक को आप कंसल्ट करें और जो हिस्ट्री जो है ख़ासतौर से मॉडर्न हिस्ट्री उसको आप पूरी तरह से दिमाग में रखें ताकि जो पहला चैप्टर है पहले जो पाँच सात एम आते हैं वो आपको क्लियर हो जाए तो इसी के साथ हम चाहते हैं इजाज़त खुदा हाफिज़